स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि स्टील का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले हम जमीन खोद के आपके घर में जो रेनफोर्समेंट लगा है उस तक कैसे पहुंचते हैं, उसे कुछ प्रिंसिपल स्टेप हैं। उस प्रिंसिपल स्टेप में बहुत बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। सबसे पहला तो आयरन ओर प्लांट, जहां पे हम मिट्टी को एक्सट्रैक्ट करके आयरन ओर बनाते हैं। उसके बाद एक कोल माइनिंग की, हम कोल की माइनिंग करके कोक ओवन प्लांट तक लाते हैं जिससे हम प्योर कार्बन निकाल सकें। तो उसके बाद आता है सेंटर प्लांट कि हम आयरन ओर और जो कार्बन हमने निकाला है उसको मिक्स करके उसको ब्लास्ट फर्नेस तक पहुंचा सकें। ब्लास्ट फर्नेस से हम पहुंचाते हैं रोलिंग मिल तक। ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन निकलता है उसके बाद हम उसे पहुंचाते हैं रोलिंग मिल तक, जो आपके घर पे जितने भी स्टील लगे हैं, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन प्लेन, जो भी आइटम आप स्टील से जानते हो, रेनफोर्समेंट एंगल्स, हर एक पार्ट, चाहे वो पटरी बन रहा हो, सारे पार्ट इसी प्रोसेस से होके गुजरते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। आज तो हम प्योर टेक्निकल पार्ट में हम हैं, लेकिन हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो कुछ लेबर्स थे जो इस काम को परफॉर्म करते थे कि लकड़ी जला के पिग आयरन से जो हम जो बिलेट्स बनाए हैं, इस बिलेट्स को पिग आयरन की मदद से, ये एक रूम देख रहे हो और एक ये रूम है, यहाँ पे हमने लकड़ी डाला हुआ है और लकड़ी जल रहा है, जो हमारा बिलेट्स है वो गर्म हो रहा है। तो गर्म करने के बाद हम इसे अपने कन्वेयर बेल्ट में सारे के सारे ह्यूमन लेबर के साथ ही उसके अलग अलग लेवल पे जिस जगह पे उसको चेंज करना है, मतलब कि इस लाइन को देख सकते हो आप कि यदि हमको 6 mm का बार बनाना है, जो हमारे पास बिलेट्स है उससे हम डायरेक्ट 6 mm का रॉड नहीं बना सकते, हमको कंटिन्यूसली उसको डिक्रीज करते जाना होता है कि वो पहले 32 mm से फिर 20 mm पे, फिर 16 पे, फिर 12 पे, फिर 10 पे, फिर 8 पे, यदि 6 mm का बनाना है तो उसके भी बाद। इसलिए हमेशा 8 mm और 10 mm का रॉड ज़्यादा महंगा होता है 12 और 16 के रिस्पेक्ट में। जितने हायर थिकनेस पे जाओगे उतना स्टील का रेट सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि उस पर कम मेहनत लगा रहता है। और जितने छोटे बार, जितने भी कम डाया के बार जाओगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं, इसलिए वो महंगे बार होते हैं, क्योंकि यहाँ तक आने पे बहुत सारे रॉड फेल भी होते हैं तो वेस्टेज ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा लेबर, हर एक पार्ट की एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है? ये पूरा मैन्युअली है, आज पूरा ऑटोमेटेड है। इस मैन्युअली के बाद उसको जब लास्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं, फिर इसमें हम पानी का बौछार करते हैं जिससे कि आउटर एरिया कवर हो जाए, ठंडा हो जाए, और अंदर वाला धीरे धीरे ठंडा हो, जिससे कि अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो और ऊपर रिजिड हो। उसके बाद हम इसको वेटिंग पीरियड में डाल देते हैं कि करीब करीब 12 घंटा में इसको नॉर्मल छोड़ देते हैं, जिससे कि अपने आप धीरे 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 ठंडा होता है। फिर इसको बंडल बना के आप लोगों के घर तक और जितने भी सप्लायर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये तो रहा बहुत पुरानी बात, लेकिन आज के समय पे क्या हो रहा है? हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आयरन ओर का, कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अलग अलग जोन पे, यदि हम जितना अंदर जाएंगे पृथ्वी के उतने ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, यदि हम पृथ्वी को बीच से काट देते हैं तो जो कोर है वहाँ से लेके टॉप से लेके कोर तक बहुत अलग अलग पिगमेंट है। तो उस अलग अलग जो लेवल्स हैं उसके हर एक जोन को कटिंग करके उसका जियोटेक्निकल सर्वे होता है, जिसमें हम उसके मिनरल्स के बारे में जानते हैं। और इस मिनरल्स को निकालने के लिए हमारा सबसे आसान तरीका, सबसे सस्ता तरीका है वो ब्लास्टिंग का, कि बारूद लगाओ और फोड़ डालो। बारूद लगने के बाद बहुत बड़े बड़े पार्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। इसको हम अपने क्रेन की मदद से अपने व्हीकल में डालते हैं। इस अर्थ मूवर का जो कैपेसिटी है ये है 60 मेट्रिक टन, जो कि एक वैगन होता है ना, रेल का एक वैगन जिसमें मटेरियल आप देखोगे कोयला जाते हुए, उस वैगन की कैपेसिटी 120 मेट्रिक टन, मतलब कि ये दो बार में ही उस वैगन को भर देगा, इतना बड़ा होता है ये। और जो ये आप ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी होती है 240 मेट्रिक टन, मतलब कि दो ट्रेन के वैगन इस ट्रक के ऊपर समा सकते हैं। इसके बाद जो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जितने भी ये बड़े पार्टिकल्स हैं, इसको डायरेक्ट हम प्लांट में नहीं भेजते कि जाओ अब इसको, इससे लोहा निकाल लो, इसको हम भेजते हैं हमारे क्रशर प्लांट तक, कि ये जो जितने बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसको पूरी की पूरी बारीक में बदल देगा, करीब करीब 6 mm 8 mm के साइज में। अब ये क्रशर प्लांट से हम जो क्रश होता है उसको कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक रोटेटरी ड्रम पे भेजते हैं। ये रोटेटरी ड्रम पे मैग्नेटिक लगा होता है, तो क्या होता है, जो हमारा आयरन ओर था जो हमने सॉइल एक्सट्रैक्ट किया था उसमें आयरन की मात्रा होती है वो होता है 35%, लेकिन 35% पे हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा कि उसमें से 65% वेस्ट निकल रहा है, 35% बस आयरन निकल रहा है। तो उसको हम पहले ही जो मेन आयरन होता है उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस 35% के जो कलेक्शन है उसमें से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए ये एक मैग्नेटिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम तो उसको दो भाग में कन्वर्ट कर देते हैं,
पहला जो हमारा कोर आयरन है और दूसरा जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, इसे 35% ही हमारा कोर आयरन है और बाकी वेस्ट मटेरियल है। यहां से भी प्रॉपर आयरन नहीं निकल पाता, लेकिन यहां से जो आयरन निकलता है उसकी कैपेसिटी हो जाती है 65-66% की। इसके बाद हम इसको वापस एक वाटर रोटेटरी ड्रम पे डालते हैं, जिससे वाटर डालने से क्या होता है, ये इसमें नमी आ जाती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम फेंक देते हैं, और जो हमारा कोर आयरन है उस कोर आयरन को जो हमारा सेरेमिक फॉर्म पे डेवलप हो जाता है। सेरेमिक फॉर्म पे डेवलप होने के बाद देखो ये सब इसके जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा आयरन है, लेकिन है ये अभी मिट्टी के फॉर्म पे। अब गीला आपको हम वापस सुखाएंगे तो बहुत तकलीफ होने वाला है, तो हम क्या करते हैं इस सेरेमिक फॉर्म को निकाल के, यहाँ पे अभी फूलेगा और ये गिर जाएगा नीचे, ये जो मटेरियल गिरता है आटा नुमा, उसको हम अगेन एक रोटेटरी टर्बाइन पे डाल देते हैं। ये रोटेटरी टर्बाइन क्या होता है, ये घूमते रहता है और जो हमारा सेरेमिक पाउडर के फॉर्म पे था, अब वो थोड़ा थोड़ा छोटे 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 बॉल के रूप में शेप ले लेता है। ये बॉल का साइज करीब करीब 10-12 mm 15 mm का होता है। ये बॉल एक धीरे धीरे घूमते 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 सूखते सूखते एक ये हार्ड स्टोन टाइप जनरेट हो जाता है। ये हार्ड स्टोन को कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम ट्रकों पे या माल गाड़ियों पे, ट्रेनों से इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे ब्लास्ट फर्नेस तक। ब्लास्ट फर्नेस में जाने के लिए जो, या फिर जो हमारा सिंडर प्लांट है वहां तक पहुंचाने के लिए हम अपने वैगन का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, ये हमारा लोडिंग मशीन। ये लोडिंग मशीन हमको सबसे बेहतरीन काम आता है किसी भी दूर पड़े मटेरियल को, क्योंकि आयरन ओर चाहे कोल माइंस में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, उस पूरे मटेरियल को सेफली पहुंचाने के लिए, कि यदि इसको कलेक्ट करना है तो भी यही मशीन काम आएगा, और इसको उठा के कन्वेयर बेल्ट की सहायता से ले जाना है तो भी, ये देखो नीचे रेल लगे हुए हैं, इसी रेल की सहायता से मूव भी कर जाता है। इसकी रेल के साथ जब ये मूव करता है तो इसका काम क्या होता है, ये बॉक्स नुमा लगे हुए हैं जो यहां से मटेरियल उठाता है और अपने ही ऊपर कन्वेयर बेल्ट में डाल लेता है। जब यहां से मटेरियल उठाता है अपने कन्वेयर बेल्ट में डालता है तो कन्वेयर बेल्ट पहुंचाता है इसको इसके प्लेटफॉर्म तक जहां पे इसको ले जाना है। कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम किसी भी मटेरियल को बहुत ही दूर तक ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखते हैं कैसे, कि यहां से घूम रहा है और ये मटेरियल पहुंचा देगा अपने कन्वेयर बेल्ट तक। ये वापस घुमा, पूरा मटेरियल उठाया और पहुंचा दिया कन्वेयर बेल्ट तक। कन्वेयर बेल्ट उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। इसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से जो मटेरियल्स है, चाहे कोल, चाहे हमारा कोल हो गया, इसको हम ट्रेनों में लोड करके किसी भी जगह भेज सकते हैं। ट्रेनों पे लोड करने के बाद कहीं भी डंप करने का ऑप्शन बहुत आसान हो जाता है। देखते हैं कैसे, ये ट्रेन में पूरे के पूरे कोयला भरे हुए हैं और इसके नीचे के पार्ट में हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक जैक खुलेगा और ये पूरा का पूरा कोल नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे नीचे चैनल लगे हुए हैं जिससे कि जो बड़े बोल्डर्स हैं वो यहीं रुक जाएंगे, बाकी जितने भी क्रशिंग प्लांट के साइज के ये जो शेप बने हुए हैं वहां से ये जो कोल है वो नीचे चले जाएगा। ये नीचे से खुला और ये पूरा का पूरा कोल नीचे चले गया। ये नीचे जाने के बाद नीचे भी कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं जो इसको पहुंचाएगा इसे क्रशिंग प्लांट तक। जब ये मटेरियल नीचे पहुंच जाता है तो इसको कन्वेयर बेल्ट की सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होते हैं। मतलब कि एक जगह से उठाए और ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते 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 दूसरे जगह आ सकता है। ये कितना भी लंबा हो सकता है। ये रबड़ का एक प्लेट होता है कि जिसको दो मोटर की सहायता से घुमाते जाते हैं और इसको जहां तक पहुंचाना है, हो सकता है कि आप यहीं पे दूसरा कन्वेयर बेल्ट लगा दो और इसको फिर से दूसरे जगह पहुंचा दो। ये हमेशा कंटिन्यू रोटेट होते होते एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए प्लांट के अंदर बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक होता है। तो ये कोल हमारे जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर आ चुका है। अब ये कोल जा रहा है जो कि बड़े पार्टिकल से जो डायरेक्ट ट्रेन से गिरे हुए हैं, अब ये जाएगा क्रशिंग प्लांट में। क्रशिंग प्लांट से पाउडर नुमा फॉर्म में निकल के बाहर आता है। ये पाउडर नुमा फॉर्म बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है हमारे कोक ओवन प्लांट में। कोक ओवन प्लांट कैसा होता है, देख रहे हो ये एक साइड का गेट है और इसके जस्ट अपोजिट साइड दूसरा गेट है। पीछे वाले गेट को बंद रखे रहते हैं और इस साइड के गेट को हम प्रेस करते हैं। उससे पहले हम ऊपर में कोयले डालते हैं। यहाँ पे कोयला जलाया नहीं जाता, यहाँ पे कोयले को रिफॉर्म किया जाता है। समझ सकते हो कि जो कोयले में कार्बन कंटेंट है उसके साथ और भी मिनरल्स होते हैं, तो जो बाकी मिनरल्स हैं उसको यहीं पे छोड़ देते हैं और सिर्फ हम जो कार्बन कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करके आगे के प्रोसेस तक ले जाएंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस है, यहाँ से हम कोल डाल रहे हैं जो हमारे पाउडर फॉर्म पे आया है ये, और कोल को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, ये चार्ज हो जाता है और जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये बाहर निकल जाता है। इसके बाद ये जो गेट है इसको हम प्रेस करते हैं। यहाँ से प्रेस होने के बाद ये पूरा का पूरा ये जो वैगन है इस पे ये जो गर्म जो हमारा कोयला है वो यहाँ पे गिर जाएगा। देखते हैं कैसे, कि यहाँ पे ये प्रेस किया और ये प्रेस करके जितने भी गर्म कोयले हैं ये यहाँ पे वैगन पे गिर जाएगा। इसका एक नेचुरल फॉर्म जो हमने प्लांट से लिया हुआ है वो देखते हैं, कि यहाँ पे ये हमारा कोक ओवन प्लांट है जो पीछे साइड से धक्का दे रहा है
और ये जो हमारा वैगन है, इस वैगन पे हमारा गर्म कोयला गिर रहा है, गर्म कोयला। अब इसको ये यदि ये गर्म कोयला को ऐसे छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जल जाएगा। इसको हमको इंस्टेंट चिल करना होता है। इसके लिए क्या करता है कि ये वैगन को फिल किए और ये वैगन पहुंचा देगा हमारे चिलर प्लांट तक। चिलर प्लांट तक हमारे कोक ओवन के जस्ट बाजू में ही चिलर प्लांट होता है। इस कोक ओवन को जो वैगन है उसको ये हमारा चिलर प्लांट है। इसके नीचे वैगन को ले जाएंगे और ऊपर से पानी छोड़ देंगे। ये वैगन पहुंचा यहाँ पे, अब यहाँ से हमने पानी छोड़ दिया तो ये पानी छोड़ते ही पूरा का पूरा भाप बन के उड़ने लग जाता है। एक्चुअली ये पानी ही है लेकिन जो कोयला है हमारा तुरंत ठंडा हो जाता है। लेकिन पानी पड़ने के बाद वो एक समझ लो जैसे आटा हो जाता है, मटमैला और थोड़ा सा लेई टाइप का वो उस फॉर्म पे जनरेट हो जाता है। इसके बाद हम इसको ले जाते हैं हमारे सिंटर प्लांट में। सिंटर प्लांट में काम होता है हमारी जो ये कोक है और हमारा आयरन ओर है उसके साथ लाइम स्टोन को मिक्स करके उसकी एक मिक्सर बनाते हैं। देखते हैं किस तरीके से वो काम होता है। ये है हमारा सिंटर प्लांट। इस सिंटर प्लांट में अलग अलग साइज, अलग अलग बीकर है। इस बीकर में हम अपने मटेरियल्स डालते हैं कि सबसे पहले हमारा कोर आयरन, फिर दूसरा हमारा कोल, फिर हमारा जो लाइम स्टोन है वो पार्ट डालते हैं। ये तीनों को इस रोटेटरी के मदद से हम इस कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट में ये तीनों मटेरियल आते हैं और यहाँ पे हम इंस्टेंट हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है, वो तीनों पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसको एकदम ही जैसे कि रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा गर्मियों के समय पे फुहारे छोड़ते हैं, जो ट्रेन आती है रुकती है और तो ऊपर से फुहारे छोड़ते हैं, वो एक्चुअली पानी नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा महसूस होता है। उसी तरीके से यहाँ पे एकदम बारीक सा फुहारा छोड़ा जाता है जिससे कि जो मटेरियल है वो हल्का सा नमी हो जाए। नमी होने से क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद वो एक सॉलिड का फॉर्म जनरेट कर लेते हैं। सॉलिड के फॉर्म को हम क्रशर प्लांट में ले जाते हैं और उसको हम करीब करीब 7 से 8 mm के बीच में उसको हम एक एग्रीगेट के फॉर्म पर जनरेट कर लेते हैं। इसको हम ले जाएंगे हमारे ब्लास्ट फर्नेस पर। देखते हैं कैसे होता है ये कि ऊपर से हमारे ये मटेरियल्स है, ये हमने मटेरियल्स डाला। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर चार बकेट है कि पहला तो हो गया हमारा आयरन ओर, दूसरा हो गया हमारा कोल, तीसरा हो गया हमारा लाइम स्टोन, लेकिन चौथा खाली है। चौथे में क्या डालेंगे, तो चौथे में डाला जाता है जब इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है जो कि बड़े साइज का होता है या छोटे साइज का होता है उसको हम वापस यहाँ डालते हैं जिससे कि कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता और हम हर एक मटेरियल को 100% यूज कर पाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे चैनल से आया ये कन्वेयर बेल्ट में। कन्वेयर बेल्ट में हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि वो मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के साथ साथ जो इसमें बारीक जो समझ लेते कि धूल के कण है उसको हम नीचे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जो नीचे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक अलग पार्ट में पहुंच जाता है कि अलग पार्ट में पहुंचने के बाद वो वहां से जो जितने धूल है उसको रोक के जो गर्म एयर है उसको रिलीज कर देते हैं। फिर उसके बाद जब ये मटेरियल यहाँ से आता है तो यहाँ पे एक क्रशर लगा हुआ है। ये क्रशर क्या करता है, जब ऊपर के जो सॉलिड हो चुके हैं मटेरियल क्योंकि गर्म करने के बाद वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होने के बाद जब उसमें हल्का सा पानी डाले तो वो फिर से टाइट हो गए, आपस में बॉन्डिंग बना लिए। आपस में बॉन्डिंग बनाने के बाद उसके साइज बढ़ जाते हैं। साइज बढ़ने के बाद हम इसके क्रशर में डालते हैं और ये क्रशर क्या करता है, करीब करीब 7 से 8 mm के बीच में उसका साइज बना देता है। ये मटेरियल हमारे ब्लास्ट फर्नेस में जाएगा। ये है हमारा ब्लास्ट फर्नेस। इसके ऊपर से एक कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर से मटेरियल डलेगा और इस मटेरियल के अंदर में हीट जनरेट करके पिक आयरन बनाते हैं। इसकी लगभग हाइट होती है 30 से 40 मीटर की और इसकी चौड़ाई होती है 10 मीटर की। इसके ऊपर से मटेरियल डाला जाता है, इसके नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हार्थ। इसके ऊपर दो एग्जॉस्ट चैम्बर लगे होते हैं। ये एग्जॉस्ट चैम्बर डस्ट कैचर से जाके मिला होता है। ये एग्जॉस्ट चैम्बर होता है गैस का, ये जाके डस्ट चैम्बर से मिला होता है। इसके नीचे दो आउटलेट होते हैं, एक स्लज के लिए और एक पिग आयरन के लिए, और ये स्टोव होता है। जब डस्ट कैचर जो ये एग्जॉस्ट चैम्बर डस्ट कैचर पे ले जाता है तो डस्ट कैचर जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको कलेक्ट कर लेता है और जो हॉट एयर होता है उसको स्टोव पे ले जाके स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको एक पाइप के जरिए से इसके अंदर दो इनलेट होता है, उस पाइप के जरिए से यही हॉट एयर अंदर आता है तो जो कार्बन के साथ वो मिक्स होता है तब ब्लास्ट होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्लास्ट चैम्बर। इसके जो ऊपर ये जो कन्वेयर बेल्ट है यहाँ से मटेरियल डाला जाता है। देखते हैं कैसे, ये कन्वेयर बेल्ट है जो हमारा सिंटर प्लांट था। सिंटर प्लांट से मटेरियल ला के इस कन्वेयर बेल्ट की मदद से हम ब्लास्ट चैम्बर के ऊपर डालते हैं। ब्लास्ट चैम्बर के नीचे ये जो गैस इनलेट है ये हॉट गैस इनलेट है। ये हॉट गैस इनलेट जो हमारे ही गैस चैम्बर से निकल के बाहर गया था उसी को हम वापस यहीं ले आ रहे हैं, जो कि इकोनॉमिकल बनाता है और हमको बाहर से हॉट गेयर अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको जो टेम्परेचर है करीब करीब 2000 डिग्री का टेम्परेचर बनाता है।
ये जो हमारा ब्रिक चैम्बर है, ये ब्रिक मैसनरी होता है, ये फायर रेसिस्टेंट होते हैं, और इसके बाहर में एक आयरन का प्लेट लगा होता है जिससे कि हीट बाहर ना जाए, नहीं तो 2000 डिग्री टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक हो सकता है। और कभी भी इसको बंद नहीं किया जाता, कभी भी जो ब्लास्ट फर्नेस है वो कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं जब तक ये ख़राब ना हो जाए। और इससे जो आउटलेट निकलता है, एक साइड स्लज निकलेगा और दूसरे साइड हमारा पिग आयरन निकलता है। ये हमारा रियल आयरन है जिसको हम स्टील प्लांट तक ले जाते हैं, रोलिंग मिल तक ले जाते हैं। और जो हमारा स्लज निकला है, उस स्लज को दो तरीके से यूज़ हो सकता है। पहला तो सीमेंट प्लांट को दे दो सीमेंट बनाने के लिए, और दूसरा हमारे डामर प्लांट को दे दो डामर बनाने के लिए, से हमारा रोड बनेगा। आगे लेके चलता हूँ। ये हॉट चैम्बर है, इसमें हॉट एयर आ रहा है, यहाँ पे गर्म हो गई, ये पिग आयरन है, जो पिग आयरन हमें हमारे रोलिंग मिल तक ले जाने पे काम आता है। यही पिग आयरन से हम हमारे अलग अलग टाइप के स्टील बनाते हैं, इसी पिग आयरन से हम पहले ब्लेड्स बनाएंगे। ये जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, इस वेस्ट मटेरियल को हम फेंक देते हैं। ये दो अगेन जो वेस्ट मटेरियल है वो सीमेंट बनाने काम आएगा या फिर डामर बनाने काम आएगा। लेकिन जो हॉट एयर है वो एग्जॉस्ट पाइप की मदद से ये डस्ट कैचर पे आता है, डस्ट कैचर जो डस्ट कलेक्ट कर लेता है और बाकी को ये स्टोव पे रख देता है, और स्टोव कनेक्ट होके ये स्टोव से जो पाइप कनेक्टेड है ये वापस हमारे ब्लास्ट फर्नेस पे आता है। ये हमारा जो कन्वेयर बेल्ट, जिससे कि मटेरियल ऊपर जाता है, कन्वेयर बेल्ट में क्या जाता है, हमारा जो सिंटर प्लांट से हमने मटेरियल लाया था जिसमें कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन के मिक्सर हैं, ये इसमें जाके मिक्स होते हैं, और यहाँ से नीचे से एक जगह से हमारा निकलता है पिगमेंट पिग आयरन, और दूसरा निकलता है हमारा स्लज। ये तो हमने बात कर लिया कि किस तरीके से आयरन ओर से बनाया जाता है हमारा पिग आयरन। लेकिन और भी तरीके हैं कि भैया वेस्टेज मटेरियल से जो वेस्ट स्टील होता है उससे भी तो हमारा स्टील बनता है, रिसाइकल होता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं। तो बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस होता है ये। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले मिलाते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल को, जो हमारे जितने भी स्क्रैप है, और उसमें मिलाते हैं हम पिग आयरन। इसको हम हमारे एक पाइप के जरिए से एक ऑक्सीजन का फोर्स देते हैं। ये ऑक्सीजन का फोर्स करीब करीब वॉइस के वेलोसिटी से ज़्यादा तेज होता है। इसको ये मिक्स करता है, इस मिक्स करने के बाद ये जो आउटलेट दिख रहा है, इस आउटलेट से हमारा बर्नर को भर लेते हैं, हमारे बिगर को, और ये ले जाता है हमारा जो बनाता है बिलेट्स। बिलेट्स वही जो लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स देखते हैं हम, ये अगेन दूसरा एनिमेशन में देखते हैं वही चीज़ है कि पहले स्क्रैप मिला है, फिर पिग आयरन मिला है, और फोर्स मिला, फोर्स से देखे ये ऑक्सीजन का फोर्स दे रहे हैं जो कि ये कार्बन को ख़त्म कर देता है। इस पिग आयरन में जो कार्बन मिले रहते हैं, 4% का कार्बन अवेलेबल होता है, जिसको हम 0.05% कार्बन कंटेंट डेवलप कर लेते हैं, और यही आयरन को हम ले जाते हैं हमारे रोलिंग प्लांट तक, जो हमारा बिलेट्स बनाने में काम आएगा। बिलेट्स क्या होता है अपन आगे देखेंगे। और जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम भेज देते हैं हमारे प्लांट पे जाके, जहाँ सीमेंट बने या फिर डामर बने। लेकिन वही काम खत्म नहीं होता, एक और पार्ट है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसमें पिग आयरन की जरूरत नहीं होती। हमने अभी तक दो पार्ट देखा, एक ब्लास्ट फर्नेस से देखा और एक दूसरा देखा हमने बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस से। लेकिन अब ये तीसरा पैटर्न है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हमें जो सबसे पहले जो हमने निकाला था ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन, उसकी जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल मटेरियल से ही बनता है। जितने स्टील स्क्रैप में जो हम बेचते हैं ना, स्टील स्क्रैप में कबाड़ी के पास, वही स्टील से हम इसको वापस गलाते हैं, और वापस गला के इम्प्योरिटी को बाहर निकाल लेते हैं। जो इम्प्योरिटी बाहर निकलता है वो सीमेंट और डामर बन जाता है, और जो प्योर आयरन बचता है उसको इलेक्ट्रिक की मदद से, इलेक्ट्रिक रॉड्स की मदद से उसको हीट करके मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसको हम बिलेट्स तक पहुंचाते हैं, बिलेट्स बनाने के प्रोसेस में पहुंचाते हैं। बिलेट्स ही है जिससे कि हम अलग अलग तरीके से स्टील बनाते हैं। ये है हमारा फ्लो चार्ट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट से एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा आयरन ओर है, ये हमारा कोल इंजेक्शन है, ये हमारा कोल है। कोल को हमने भेजा कोक ओवन पे, कोक ओवन से कहाँ पहुँचेगा, ब्लास्ट फर्नेस पे। और जो हमारा कोल है, जो हमारा आयरन ओर है, इसको भी हम भेज सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस पे, या फिर हम डायरेक्ट रिडक्शन कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिडक्शन जाएगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे, जो हम स्क्रैप से बना रहे थे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। लेकिन जो हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस से स्टील जो पिग आयरन बनता है, या फिर ब्लास्ट फर्नेस से हम स्टील के लिए एक बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस भी देखे थे। बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जहाँ पे पिग आयरन मिला रहे थे और स्क्रैप मिला रहे थे, तो रिसाइकल स्टील कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, रिसाइकल स्टील जाएगा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस पे। इन दोनों से पहुंचता है ये स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटी पे। स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटी मतलब यहाँ से क्रिएट होकर पहुंचता है स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटी पे। ये स्टील रिफाइनिंग फैसिलिटी पहुंचाता है हमारा कंटिन्यूस कास्टिंग। ये कंटिन्यूस कास्टिंग से ही बनता है हमारा बिलेट्स। अब देखते हैं बिलेट्स कैसे बनता है। ये मोटा मोटा समझ गए कि ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस
और हमारा बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, ये तीन टाइप के फर्नेस है जो हमारा आयरन ओर और कोल से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं इस प्रोसेस की, कंटिन्यू कास्टिंग। कंटिन्यू कास्टिंग हमारा रियल रिफाइनिंग स्टील, मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस से निकला है उससे हम डायरेक्ट स्टील नहीं बना सकते। जो ब्लास्ट फर्नेस से निकला है उसको बेसिक ऑक्सीजन प्लांट से ही हम पहुंचा सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक आर्क, जो रिसाइकल होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हम स्टील रिफाइनिंग में पहुंचाते हैं। अब इससे बनेगा बिलेट्स। इसके बाद हम पहुंचाते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ बिलेट्स मेकिंग पे। जो ये लोहे दिख रहे हैं यही, इसी को हम बिलेट्स कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जो हमारा रिफाइनरी स्टील पहुंचा था, जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट से और या फिर आर्क प्लांट से आया था, आर्क फर्नेस से या ऑक्सीजन बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से जो मटेरियल निकला था, इसको हम रिफाइनरी स्टील बोलते हैं। ये रिफाइनरी स्टील को हम एक कंटिन्यूस कास्टिंग नाम है इस मशीन का, कंटिन्यूस कास्टिंग पे हम इसको एक शेप में डालते हैं। जब ये अंदर जाता है तो एक आयताकार या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पे ये शेप लेते जाता है और इसमें हम वाटर की पाइप छोड़ देते हैं जिससे कि ये तुरंत सेट होते जाए। और ये सेट होते जाता है, ये पानी का फव्वारा छोड़ रहे हैं और कंटिन्यूस लेंथ पे, आपने बहुत बार ट्रकों में देखा होगा, रेलों पे देखा होगा, इस टाइप के बहुत सारे लंबे लंबे आयरन ओर जा रहे होते हैं। उस लंबे आयरन ओर को गैस कटर से काट देते हैं। ये गैस कटर से काटने के बाद इसको इंस्टेंट ठंडा किया जाता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो बिलेट्स होता है, दूसरा होता है बलूम एंड थर्ड वन इज स्लैब। ये अभी तक हमने अभी स्टील नहीं बनाया है, अभी तक हमने कोई शेप नहीं दिया है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से इसको शेप दिया जाता है। तो इसके लिए इसको अलग अलग प्लांट्स पे ले जाया जाता है जो कि रोलिंग मशीन्स में काम आते हैं। देखते हैं, ये हमारे जो बिलेट्स हैं, इस बिलेट्स को हम ले जाएंगे हमारे रोलिंग प्लांट्स पे। अब इसके बाद आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको आप जहाँ भेजना है, जिसको भी बेचना है, सप्लायर को भेजना है, खुद ही आप, जैसे कि सेल है तो खुद ही बना लेता है वो। देखते हैं किस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब बिलेट्स हमारे रोलिंग प्लांट तक आ चुका है। बिलेट्स जब आता है हमारे पास तो ठंडा होता है, तो हम उसको एक हीट जनरेट करते हैं, क्योंकि ठंडे बिलेट्स को कोई भी नया शेप नहीं दिया जा सकता। तो ठंडे बिलेट्स को हम एक हीट जनरेटर के सहायता से, जो ठंडा था उसको गर्म करते 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 हमारे रोलिंग बेल्ट तक लाते हैं और उसको इतना गर्म कर देते हैं कि अब इसको मोड़ा जा सके, बैंड किया जा सके, अलग शेप में करा जा सके। तो अलग शेप में करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, जैसे कि एक जगह से इंटर किया और दूसरे जगह निकला, जो हमने स्टार्टिंग पे वीडियो के देखे थे कि जो लेबर कर रहे थे, कि जो बिलेट्स को एक जगह से निकाल के दूसरे जगह डाल रहे थे, फिर उसको और पतला करने के लिए दूसरे जगह डाल रहे थे, फिर उसको और पतला करने के लिए तीसरे जगह डाल रहे थे। अब वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड होता है कि हमको जिस भी डाया का बार चाहिए उस डाया के बार के सेक्शन पे, ये जो हमारा प्लेट है उस डाया के बार के सेक्शन तक उसको पहुंचा देगा। तो बहुत ही आसानी से बिना लेबर की मदद से हम काम कर लेते हैं। और जब ये फाइनल हो जाता है कि हमारा डाया फाइनल हो गया, जैसे कि 12 mm का हमको रॉड बनाना है, तो 12 mm के रॉड के बाद ही हम अपना स्प्रे जेट चालू कर लेते हैं। स्प्रे जेट चालू करने से क्या होता है कि उसके जो आउटर कोर है वो ठंडा होने लग जाता है। देखते हैं कैसे, कि जब ये रोलिंग पुल्ली की सहायता से अपने स्प्रे जेट थर्मल तक पहुंचता है, तो स्प्रे जेट की सहायता से हम इसको ठंडा करने लग जाते हैं। जब ठंडा करते हैं तो जब ये इंटर करता है तो इसका टेम्परेचर होता है आउटर सरफेस का 900 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब ये आउटर पोर्शन में पहुंचता है तब आउटर सरफेस का डिग्री होता है 280 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना डाउन हम कर देते हैं इसको अपने पानी से इंस्टेंट। और जब ये मिड में पहुंचता है तो जो बीच वाला पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर अब भी 900 डिग्री बना रहता है। मतलब आउटर का ही कम होता है, बीच का कम नहीं होता। लेकिन जब लास्ट में पहुंचता है तो लास्ट में बीच वाले का भी टेम्परेचर 575 से 625 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। और इसी प्रोसेस के सहायता से हम अपना स्टील जनरेट करते हैं। जो एक कोर है, ये कोर फ्लेक्सिबल होता है और आइट साइड वाला रिजिड हो जाता है। यही पूरा प्रोसेस, इसी पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए इतना मेहनत, इतना तामझाम, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और इसको 12 मीटर के लेंथ में काट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होऊंगा। हमारे साथ बने रहने के लिए और हर वर्ष सिविल गुरुजी के चैनल पे आके इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।